जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। संताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। पवित्र एकादशी, बड़ एकादशी, हरिशयन एकादशी सुनावेश अवसर रे प्रत्येक जय जगन्नाथ टीवी देखुवा भक्त मानक श्रीक्षेत्र पुरी स्वागत जनाऊँ, शुभेच्छा जनाऊँ। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम, विशेष स्वतंत्र सीधा प्रसारण कार्यक्रम महाप्रभुं सुवर्ण बेश को आज महाप्रभु सुनावेश, सुना ठाकुर कालिया सुना, कालिया सुनांकर सुनावेश हेब। भक्तंक मन भितर आनंद उल्लास भाव सृष्टि होती प्रभु को सुनावेश दर्शन करेंगे। कहीं केते आड़ू राज्य राज्य बाहर छुटी आसी श्रीक्षेत्र को लक्षाधिक भक्तंकर आज सिंहद्वार सम्मुखें देखुं रथ सम्मुख, ये रथ सम्मुखर दृश्य कला वामन प्रभु निजे विराजमान करिसंति चकाचका आखिरे समस्त आखि सहित महाप्रभु आखि मिसौचंति, समस्त आखि सहित महाप्रभु आखि मिसौचंति। सेतिरे से आनंद पान भक्त आखि की देखि देले जतिकि आनंद पाए प्रभु निजे भक्तर दुईटी आखि देखि देले ताटो अधिक आनंदित होवंती। से जानती तार पाप नेत्र मो आखिरे मिसीगले तार पाप क्षय हो जाए। सदा सर्वदा से चाहती समस्त की निष्पाप करने, आम केवल पाप कर से किंतु तांकर स्वभाव भगवान स्वभाव सर्वदा सबु भक्त को से निष्पाप कर निष्काम कर मन भितर कामना भावना लोभ आसक्ति मोह ये सब शत्रु को से काढ़ी पुनश्च आम माया भितर पशि षड़शत्रु को पुणी आमंत्रण कर आम शरीर मध्य। नले महाप्रभु सर्वदा चाहती मोर भक्त सदा निष्काम निष्पाप होता, तेणु सर्वदा से पाप नेत्र को तांकर ब्रह्म नेत्र रे मिसई देई थांती, डाकी की मिसई थांती। भगवान समस्त की डाकी थांती। आज समस्त श्रीक्षेत्र जगत बंधु जगन्नाथंकर से समस्ते आज आतिथ्य पाउचंती, समस्ते होउचंती भगवान कर अतिथि। केते जण को से डाकिचंती से जानिचंती, केते जण को डाकिबे से जानिचंती, केते जण दर्शन करिवे से जानिचंती। सबु जना अंतर्जामी। बड़ ठाकुर बलभद्र को आमे देखुचे रथ त्रय सम्मुख रे दमकल बाहिनी द्वारा जल स्प्रे करा जाउची, जलसिंचन करा जाउची। टिके शीतलता कारण जो प्रकार गुलुगुलु प्रखरता सूर्यंकर रही से प्रखरता आज एभे एते हेइची, तथापि खरा को कार खातिर ना प्रभु को आखिरे आखि मिसी गले केते खरा होउची, केते गुळीगुळी होउची, केते गरम होउची, केते झाळ बाहरुची, कहार निगाह नाही, सेति प्रति ध्यान ही नाही। देखु नांती रथ सम्मुखरे किभली भाव भक्तंकर किए छताटीए धरी, किए सेमती आकाश तले रही सूर्यंकर प्रखर किरण रे निज शरीर को से देखई दे, कारण मु प्रभु को देखी दमकल बाहिनी जेते जल स्प्रे कले कौन हम भगवान ठारे जे लय रखी देइचंती एकाग्रता भगवान प्रति रही कौन गरम जना पड़ब ना, उष्णता जना पड़ब ना, कष्ट जना पड़ब ना, कौन जना पड़ब। आज बड़ बाड़ मणिमांकर तालध्वज रथरे नीति आरंभ होती, कारण जितेबले देखुंती हाथुआणी नहीं हाथ प्रक्षालन पर बलभद्रंकर भोग अनुष्ठित हो मुद्रा प्रदर्शित करा जाय संस्कार पूर्वक। बड़ बाड़ मणिमांकर बलभद्रंक पाखरे आज ये रथ भोग स्वतंत्र, जहाँ सुखिली भोग सबू रथ उपर प्रभु उद्देश्य रे नैवेद्य स्वरूप अर्पण करा जाए। तेणु ये जो आज दिवस ये कौन करुचंती ना चंदन लागी होती स्वतंत्र भाव मुखारबिंद को घोरा चंदन घटुआरी प्रदत्त चंदन आज चंदन से मुखारबिंद बलभद्रंकर रथरे मस्तक एवं तंकर अधर बेक उदर सबुटी ए चंदन कण प्रलेप रथ उपरे नीति प्रतिनीति रथ उपरे समय को समस्ते अपेक्षा करते महाप्रभुंकर रामकृष्ण बसी रामकृष्ण मुखारबिंदर मध्य चंदन प्रलेप देउछन ये जो चंदन कथा आम कहूचे नीति निश्चित भाव कौन रथ उपरे तो समस्त नीति अनुष्ठित हुए मंगल आरती ठारू आरंभ करी रात्र पहर पर्यंत समस्त नीति ए रथ उपरा महाप्रभुंकर अनुष्ठित होता है। तेणु आम तालध्वज रथरे बलभद्रंकर दर्शन करी तांकर नीति आरंभ हब। एपटे देखुचंती संपृक्त सेवक माने अच्छे गोटे वस्त्र ताटरू जो बाउंस पातिया ताट ठुआ होती से ताटर गोटे वस्त्र सी काढ़ी कारण वस्त्र जहा प्रभुंकर रही थाए समस्त वस्त्र दायित्व चांगड़ा मेकअप चांगड़ा घर रही थाए महाप्रभुंकर सब वस्त्र भंडार मेकअप चांगड़ा मेकअप मेकअप खटसज मेकअप विविध प्रकार मेकअप सेवक रही था। तेणु प्रभुंकर ये वस्त्र जितेबाला देखुंट गोटे लागी करा संपूर्ण भाव महाप्रभु को रथ उपर रुंधा जा। तेणु आज महाप्रभुंकर जो विशेष दिन मानक आम देखुचे आज गोटे दिन बड़ एकादशी जहाँ को कह जाए हरिशयन एकादशी ना नाई आज आज ठारू महाप्रभु शयन जीवे स्वतंत्र भाव शयन ठाकुर अच्छा रथ उपर को आस रथ उपर श्रीअंग लागी हेबे से नीतिमान अनुष्ठित निश्चित भाव में आप दर्शन करेंगे। तो आज हूँ हरिशयन एकादशी आज ठारू महाप्रभुंकर शयन यात्रा 4 मास धरी चलिबो मासे नुहे 2 मास नुहे 4 मास महाप्रभु सोइबे जेहेतु यात्रा करिके आसिले महाप्रभुंकर यात्रा परे परे से शयन जाइथां जहाँ को कह जाए शयन यात्रा शोइबे महाप्रभुंकर यात्रा कर लेउटेबे महाप्रभुंकर यात्रा उठिबे महाप्रभुंकर यात्रा बुलिबे महाप्रभुंकर यात्रा गाधेइबे महाप्रभुंकर यात्रा सबु यात्रा नित्य उत्सव। तेणु आज हूँ से हरिशयन एकादशी हरि शोइबे आज ठारू महाप्रभुंकर शयन यात्रा 4 मास धरी चलिबो। एही समय महाप्रभु निद्रा जाइबे कार्तिकर बड़ एकादशी तिथि उठिबे कार्तिक मास बड़ एकादशी आज एकादशी आज हरिशयन एकादशी कार्तिक बड़ एकादशी महाप्रभु उठिबे। ता मझिरे पार्श्व परिवर्तन अछि पार्श्व परिवर्तन करिबे से यात्रा गोटे। तेणु आज ठारू हरिशयन एकादशी ठारू 4 मास पर्यंत महाप्रभु सोइबे बड़ एकादशी तिथि उठिबे। ये 4 मास शुभ काम मांगलिक कार्य निषिद्ध थाए साधारणतः तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक बड़ एकादशी 4 मास शयन यात्रार समय श्रीमंदिर ये शयन यात्रा नीति शयन ठाकुर को अणा जाए रथ उपर। तेणु आज हूँ शयन एकादशी पुणी आज हूँ कौन ना सुनावेश महाप्रभुंकर सकल वेश माधुर्य लावण्य प्रकटित होता स्थल जिते प्रकार वेश महाप्रभु हमें सकल वेश महाप्रभुंकर माधुर्य लावण्य प्रकटित होता स्थल आज वेश सुनावेश ऐश्वर्य प्राबल्य प्रस्तुत होता है आज वेश ऐश्वर्य प्राबल्य परिस्फुट होता है। श्रीमंदिरस्थ रत्न सिंहासन उपर विग्रह मान विभिन्न तिथि सुनावेश खाली आज रथ उपर मंदिर भितर भी होता कार्तिक पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा दोल पूर्णिमा दशहरा ये दिवस मानक राजवेश राजराजेश्वर इत्यादि सुनावेश सज्जित आज जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन आज दिन में जो सिंहद्वार सम्मुखें रथ उपरे विराजमान करी त्रिरथ उपरे आकर्षण सुनावेश होई लक्ष लक्ष भक्त को दर्शन दे था। यही बेश को बड़तड़ाऊ बेश कह जाए। ये बेश को बड़तड़ाऊ बेश कहीं कह जाए। तड़ौकरण गोटे सेवक रही था। से तड़ौकरण ठू आरंभ हो बड़तड़ाऊ बेश कहीं से संपर्क में जाना से संपर्क जाना महाप्रभुंकर जितेबाला सुवर्ण सब आसीज सुवर्ण को देखीदे से आपे आपे बड़ तड़ाऊ बेश ये समस्त कथा वर्णना करिबा वर्तमान तत्परता सेवक मानक भितर रहिला किबली भाव महाप्रभुंकर नीति बढ़िबो। तेणु आज कौन कौन नीति से संपर्क में आम जानी आज हरिशयन एकादशी आज सुनावेश आज ठारू चतुर्मासिया व्रत गोटे ये जो चारिमास चतुर्मासिया व्रत आमर वर्षक 12 मास 8 मास एवं 4 मास 4 मासर चतुर्मासिया व्रत जी करे वर्षर पूर्ण फल पाई जाए। तेणु ये स्वतंत्र हरिशयन एकादशी ठारू चतुर्मासिया व्रत आरंभ होता है। यही समय कौन से शुभकर्म करा जाए ना। ये समय भगवान विष्णु शयन था बोली विश्वास करा जाए। महोदधीर पवित्र जल स्नान पूर्वक भगवान श्री पुरुषोत्तम दर्शन करी चतुर्मासिया व्रत पालन करने द्वारा मुक्तिर साधन सुगम हुए। कारण समस्ते चाहती मुक्ति मोक्ष आ मुक्तिदाता होउचंती प्रभु निजे परात्पर परमेश्वर से मुक्तिदाता धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुण्य फल प्रदान कर धर्म प्रदान करिवे अर्थ प्रदान करिवे काम प्रदान कर मोक्ष प्रदान कर। तेणु कह जाए श्रीक्षेत्र में प्रभु को दर्शन कले चतुर्वर्ग पुण्य फल प्राप्त होता है। तेणु पुरुषोत्तम दर्शन चतुर्मासिया व्रत पालन करने द्वारा मुक्तिर साधन सुगम होता है। समुद्र स्नान कर तीर्थराज महोदधी सकल तीर्थर समागम जो तीर्थ से होते महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रखी समुद्र वरुण राजा पाखे जा स्नान करी पुरुषोत्तम को दर्शन कले प्रभु को दर्शन कले मुक्तिर साधन सुगम हुए। ये साधक माने समय पुरुषोत्तम क्षेत्र में बास करते वर्षर 8 मास काल भगवान को दर्शन कर मनुष्य जो पुण्य फल अर्जन करी चतुर्मासियार गोटे दिन दर्शन से ही फल मिलता है। अर्थात वर्तमान श्रीक्षेत्र में विभिन्न मठवाड़ी साधु सन्थ मान मठाधीश मान यही समय बाहर को जाती ना चतुर्मासिया व्रत से पालन कर। तेणु चतुर्मासिया व्रत ही पुण्य फल प्रदायक। तेणु समस्ते समस्त मठरे समस्त समस्त पीठरे जे जो मठ पीठ अच्छी ता भीतर रही चतुर्मासिया व्रत को पालन करते। एपटे जगन्नाथों बाड़े पीतल गरा पानी आसीगला एपटे महाप्रभुंकर बलभद्रंकर बेश श्रृंगार आरंभ हो गला नाकचना नाकुआसी सब लगे। तेणु महाप्रभुंकर जो सूता वस्त्र परिधान पर बेश आरंभ हो कारण महाप्रभुंकर सकाल धूप मध्याह्न धूप संध्या आलती ये सब नीति रथ उपरे। तेणु गोटिक पर गोटे नीति संपृक्त सेवक माने रथ उपरे बढ़ीबा परे आज समस्त मन तत्परता तापर महाप्रभु आदेश देवे मोर सुवर्ण सब रत्न भंडार आणा जाऊ से रत्न भंडार आणवे। तेणु आज दिवस आग प्रथमे देखिबा आज शोइबे महाप्रभु हरिशयन एकादशी भगवान विष्णु आज शोइबे। तेणु से स्वतंत्र भाव गोटे शयन उत्सव सुनावेश तो हेले सुनावेश संपर्क में जाना जेहेतु आज चतुर्मासिया व्रत आरंभ एवं हरिशयन एकादशी महाप्रभुंकर 12 यात्रा मध्यरु अन्यतम ये शयन यात्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी आज एकादशी ये एक उत्सव महाप्रभु जगन्नाथंकर रथरे टेरा बंधागला जो सूता वस्त्र देखे आपको टेरा कह जाए टेरा बंधा जा नीति आरंभ है प्रभुंकर नीति आरंभ है एपटे बलभद्र पुष्पमाल मस्तक संपृक्त सेवक प्रदान करुँचारी सेवक श्रृंगार पुष्प अलंकार श्रृंगार अंगरे कला माने श्री अंगरे श्रृंगारी सेवक ये ब्राह्मण सेवक महाजन सेवक पुष्पालक सेवक श्रृंगारी सेवक एमान सब ब्राह्मण सेवक तेणु आज शयन एकादशी हरिशयन एकादशी शयन एकादशी नाम सुपरिचित कारण आज एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत 4 मास धरी महाप्रभु अनंत शयन करुवा यह चतुर्मास्य बोली कहा जाए। साधु संत सन्यासी वैष्णव भक्तवृंद ये 4 मास पर्यंत चतुर्मास्य व्रत पालन करें। पुरुषोत्तम महात्म्य रे महाप्रभुंर पवित्र शयन उत्सव संबंध में विस्तृत भाव में वर्णना देखा मिलता है। कारण सूर्यदेव कर्कट राशि को गमन करने समय आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि ठारू कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर्यंत 4 मास धरी महाप्रभु शयन करता समय हरिंकर आराधना कले सुमहत पुण्य मिलता है। खाली पुण्य मिल न थाए सुमहत पुण्य मिलता है। देखुंत किभली भाव में बड़ ठाकुरंकर तालध्वज रथरे पुष्पमाल तुलसीमाल ये सब अधरमाल लागू होधर पाखे जो माल रहे ताको अधरमाल कहा जाए। पयर पाखे जो माल आसी स्पर्श करे श्री पयर माल कहा जाए एवं तुलसीर माल देखुं। तेणु आज जो दिन टी एत पवित्र दिन आज हूँ हरिशयन एकादशी। काशीधाम विभिन्न शास्त्रीय नियम अवलंबन करी साधक जो फल पाई थाए पुरुषोत्तम क्षेत्र में 4 मास मध्य मात्र गोटे दिन 4 मास करवा दरकार नहीं। गोटे दिन जदि क्षेत्र रही सी पालन करे पुरुषोत्तम क्षेत्र में 4 मास मध्य गोटे दिन श्री हरिंकर सानिध्य लाभ करी भक्त व साधक समस्त प्रकार पुण्यफल अनायास पाई थाए। विचार करंतु ए क्षेत्रर महनीयता ए धामर महनीयता केते रही गला। काशीधाम विभिन्न शास्त्रीय नियम अवलंबन करी साधक जो फल पाई थाए पुरुषोत्तम क्षेत्र में 4 मास मध्यरु गोटे दिन श्री हरिंकर सानिध्य लाभ करी भक्त साधक समस्त प्रकार पुण्यफल अनायास पाई थाए। केवल दर्शन करदे एठी कौन सी प्रकार शास्त्रीय नियम अवलंबन ना। दर्शन अभिलाष रखिए श्रद्धा निष्ठा केवल दर्शन करिकी मन भीतर प्रभु को खोजे सी तांकर चतुर्मासिया व्रत रे कहगला गोटे दिन दर्शन करदे वर्षकर पुण्यफल प्राप्ति होता। सर्वनियमता अंतर्जामी जगन्नाथ महाप्रभु 4 मास व्यापी महोदधी रे अनंत शज्यारे शयन करंती। महोदधी तीर्थराज महोदधी से जलर पवित्रता कारण जलरूपी विष्णु बोली कहा जाए। जलरूपी भगवान भगवान विष्णु जलरूपी विष्णु कहीं कहा जाए ना 4 मास महाप्रभु अनंत शयन जाता समुद्र रे से समुद्र हेउच महाप्रभुंकर आलय अनंत शज्या रे शयन करती। एणु अन्य कौन सी पुण्य क्षेत्र में तांकर सानिध्य मिल पारे ना। अन्य कौन सी जेते पुण्य क्षेत्र अच्छी सानिध्य पाइबे ना। ये कथा मध्य वामदेव संहिता रे शयन यात्रा पालन संपर्क में कहा जाए। अनेक शास्त्र मध्य शयन यात्रा उपरे वर्णना करिछो। स्कंद पुराण उत्कलखंड कई मनुष्य अन्य सत्कर्म करू बा न करू आषाढ़ मास शुक्ल एकादशी रे विग्रह मान शयन उत्सव करवा एकांत प्रयोजन। तेणु जी कहगला भगवान को डाकू थाऊ न डाकू थाऊ, आस्तिक हो नास्तिक हो, भक्तिभाव थाऊ भक्तिभाव न थाऊ, अन्य सत्कर्म करू बा न करू। आषाढ़ मास शुक्ल एकादशी श्री विग्रह मान शयन उत्सव करने एकांत प्रयोजन। पुराण उल्लेख प्रकार आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन श्रीक्षेत्र में शयन उत्सव दर्शन कर भगवान शयन उत्सव निमित्त अति जत्न मंडप निर्माण कर शयन गृह निर्माण कर रत्न पलंक उपर कोमल बसन पकई सज्जा प्रस्तुत कर कर्पूर चूर्ण तही में छिंची ता उपरे चांदुआ टाणिब। चतुर्दिगरे कोमल बसन घोड़ाइब, आवरण वस्त्र चंदन लेपन कर से गृह में छिद्र शून्य द्वारा रखि। यहीपरी भाव रात्र काल शयन गृह में स्वर्ण रजत पीतल किंबा काष्ठ निर्मित मूर्तित्रय निर्माण करी बलराम सुभद्रा जगन्नाथ पादमूले स्थापन करी तीन देवं को अर्चन करी पूजा शेष में प्रतिमा मानक द्रव्य अर्पण करी प्रतिमा त्रय को भगवान ठार अभेद बोली मनरे भावी हाथ जोड़ी से प्रतिमा को शयन गृह को आगमन पूर्वक सुखरे आपणा आपण शयन करंतु बोली प्रार्थना करी। देवक देहरु तीन गोटी पुष्पमाला आनी से तीन प्रतिमा को प्रदान पूर्वक मंगल गान कर शयन गृह द्वार देश को विजय करिवो। मूर्ति त्रय को पीठे बसाई पंचामृत स्नान कर सुगंध चंदन श्रीअंगे लेपन पूर्वक दिव्य वस्त्र अलंकार आदि द्वारा विभूषित कर चारि मास शयन करने प्रार्थना करी। प्रभु को शयन कराई शयन गृहर द्वार को भल भाव बंधन कर। स्कंद पुराण मतरे जनार्दन जो चारि मास निद्रा जाती से चारि मास नाना व्रत कले उत्तम सुख लाभ हुए। चतुर्मासिया व्रत आमे चतुर्मासिया व्रत कथा कहू। शयन एकादशी आज हूँ बड़ एकादशी शयन हरिशयन एकादशी। आषाढ़ शुक्ल आज एकादशी रात्र रथ उपर विग्रह मान सुनावेश निश्चित भाव में हेब। तेणु आपण निश्चित भाव में निश्चित हो आज सुनावेश दर्शन करेंगे। महाप्रभुंर सकल बेश माधुर्य लावण्य प्रकटित होता बेले केवल सुनावेश ऐश्वर्य प्राबल्य परिस्फुट होता है। सिंहद्वार सम्मुखें महाप्रभु रथ उपर सुनावेश हे। मंदिर भितर हूँ विग्रह मान विभिन्न तिथि में कार्तिक पूर्णिमा आसला महाप्रभु सुनावेश, पौष पूर्णिमा आसला महाप्रभु सुनावेश, दोल पूर्णिमा आसला महाप्रभु सुनावेश, दशहरा आसला विजया दशमी यही सुनावेश। ये दिवस मानक राजवेश राजराजेश्वर इत्यादि सुनावेश सज्जित होता। ये सुनावेश होते आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन सिंहद्वार दंडायमान थिबा तीन रथ उपर जो आकर्षणीय बेश होता लक्ष लेख भक्त को दर्शन देता से बेश हूँ बड़ तड़ाऊ बेश। तेणु बड़ तड़ाऊ बेश निश्चित भाव में कहीं महाप्रभु हमें सुवर्ण बेश जितेबाला हे से संपर्क में आम सूचना तथ्य तत्व कहीं ये संपर्क में सुना क्यों रजा आनी क्यों रजा अमल सुना बेश करने क्यों रजा इच्छा प्रकाश कले किए रजा को प्रवर्तला किए रजा को कहला प्रभु एत सुना अच्छी कौन हम प्रभु को बेश करवा ये सब तथ्य रही अच्छा आम धीरे 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 जाना। तेणु आज हरिशयन एकादशी पुण्यता किभली भाव में चतुर्मासिया व्रत पालन कले गोटे दिन पालन गोटे दिन चतुर्मासिया व्रत रे गोटे दिन समुद्र तीर्थराज समुद्र रे महोदती स्नान पूर्वक जगन्नाथ को दर्शन कले चतुर्मासिया व्रतर पुण्यता आपण पाई फल प्रदान करि महाप्रभु। तेणु कहगला विभिन्न प्रकार ये जो आषाढ़ एकादशी आज सुनावेश गुलाकी हुई बड़सिंगार बेश भोग भोग इत्यादि सरी महाप्रभुंर सुनावेश हे। सुनावेश लक्षाधिक भक्त को दर्शन देदेवे तापर सुना उलागी हम सुना उलागी बड़सिंगार बेश हम। आज सुनावेश आपण भावते प्रतिदिन महाप्रभुंर बड़सिंगार बेश हूँ। तेणु बड़सिंगार दैनन्दिन बेश नीति सहित उत्सव पर्वपर्वाणी पढ़ले ताहा स्वतंत्र नीति संयुक्त करा जाए। अधिकंतु नीति बढ़ी थाए कि दैनन्दिन नीति हम आज महाप्रभु बड़सिंहार बेश हे प्रतिदिन बड़सिंहार बेश बुंतु तेणु आपड़ कहे सुना बेश आज महाप्रभु हे सुना बेश पर आ बड़सिंहार बेश कौन दरकार ता हबन सुना बेश पर प्रतिदिन जो बेश बुंती बड़सिंहार हे आज सुना बेश हे महाप्रभु सका जो अवकाश बेश महाप्रभुकर अवकाश बेश हम आज सुना बेश हम बोली महाप्रभुकर अवकाश बेश हबनी कि बड़सिंहार बेश हबनी से नीति हबनी दैनन्दिन नीति सहित पर्वपर्वाणी उत्सव नीति जोड़ा जाए अधिकंतु नीति बढ़ी थाए आज दोलेच दोले गोविंदम चापेश मधुसूदनम रथेतु बामन दृष्टा आज बामन रूप में महाप्रभु देखो कला बामन महाप्रभु रथरे प्रकृत में बामन आकृति ही जान बामन रूप धरी पका बामन भली देखा जा यही ठाकुर आड़प मंडप में देखी विराट काय रूप आपड़ देखुले यही ठाकुर को रत्न सिंहासन देखिए यही ठाकुर को रथ उपरे देखुच प्रभु कि विचित्र लीला आपण प्रकृत में कला बामन रथेतु बामन दृष्टा तेणु आपण बामन हो जाऊँ नहले आपण मिथ्या हो तेणु आपण सदाबले सत्य को ग्रहण करते सत्य पाखे था सत्यर ठाकुर आपण सत्यर क्षेत्र आपण सत्यवान आपण सत्य नारायण आपण तेणु आपण पाखे असत्य ना असत्य ना असत्य ना तेणु महाप्रभु को कह जाए दोलेश्च दोल गोविंद चापेश्च मधुसूदन रथेतु बामनम दुष्टा तेणु महाप्रभु बामन हो जाइए बामन नहले जदि महाप्रभु रथ पर विराट देखा जीवे भक्त कहे कहीं महाप्रभु तो बामन भली देखा जाऊना ता हबन भक्त भावन जहा किए पुरा किए भावना आनती महाप्रभु निजे आनती तेणु महाप्रभु जो भावना देती मु रथ उपर बामन है ताही देखु आप निजे प्रत्यक्ष भाव में देखु घरे बसी देखु निरीक्षे देखु एकाग्रतार सहित देखु भल रूपे देखु आखि पूरेकी देखु पेट पूरेकी देखु बामन कारण सी बामन रूप सबू रूप धारण कर सबू रूप सबू अवतार महाप्रभु धारण करेंगे तेणु से लीलामय पुरुष लीलामय पुरुष आज लीला सुवर्ण बेश जी हरिशयन नीति से शोपड़े आज महाप्रभु केमी महाप्रभु शोबे केमी नीति हम रथ उपर से कथा टी जान प्रभु आज रातिर सुनावेश हे ठीक सबू रत्न भंडार सुना आसव महाप्रभुकर श्रीपयर श्रीभुज किरीट विविध प्रकार माली विविध प्रकार कुंडल ये सब महाप्रभु धारण करेंगे अस्त्र आयुध सब धारण करेंगे से सबू बेश सरीगला बेश उलागी हम बड़सिंहार बेश हम बड़सिंहार भोग सर बड़सिंहार भोग इत्यादि सरी प्रभुंर महास्नान हे महाप्रभु महास्नान माने विशेष स्नान महास्नान आप कहे कौन महाप्रभु प्रत्यक्ष स्नान महाप्रभुकर प्रत्यक्ष स्नान महाप्रभुकर मंत्र स्नान महाप्रभुकर बिंब स्नान महाप्रभुकर महास्नान महाप्रभुकर पहाड़ा उठा स्नान महाप्रभुकर जात्रांगी महास्नान केते प्रकार स्नान महाप्रभुकर अच्छे तेरे जो महास्नान कह जाए विशेष स्नान को महास्नान कह जाए तेणु महास्नान पूजा नीति सरवा पर श्रीमंदिर भंडार घर भंडार घरे तीन मूर्ति शयन ठाकुर सी अच्छा सी तीन मूर्ति शयन ठाकुर स्वर्ण प्रतिमा से मान भंडार घरे रही था भंडार घर आणवे किए ना पूजा पंडा सेवक द्वारा तीनोटी रौप्य थाली रे विजय होता सुवर्ण प्रतिमा आसबे रौप्य थाली रे से तीन मूर्ति आणवे किए ना पूजा पंडा सेवक द्वारा रूपा थाली रे आसबे तीन बाड़े यथाक्रमे बलभद्र बाड़ तांकर शयन ठाकुर आपण कहे बलभद्र शयन ठाकुर किए ना बलभद्र शयन ठाकुर वासुदेव जो वासुदेव अनंत वासुदेव पटिदिय स्वरूप उपासित होते महाप्रभु जिते अनवसर समय ताटी घरे आबद घरे रही से ताटीदियों उपासना पट्टीदियों उपासना बलभद्र पट्टचित्र जो अनंत वासुदेव से ही वासुदेव ही बलभद्र शयन ठाकुर। तेबे बलभद्र शयन ठाकुर वासुदेव हेले सुभद्रा देवी शयन ठाकुर किए भुवनेश्वरी सी भी पट्टीदियों स्वरूप उपासित होते अनवसर समय बलभद्र सुभद्रा अनंत वासुदेव भुवनेश्वरी पर महाप्रभु जगन्नाथ शयन ठाकुर किए श्री नारायण अनंत नारायण जो पट्टीदियों उपासना होते जगन्नाथ बाड़र नारायण सी होती शयन ठाकुर। समस्त ठाकुर सुवर्ण प्रतिमा तीन प्रतिमा विजयी रथ उपरे आसबे श्रीअंग लगी हेले तीन जन पूजा पंडा तीन रथर महास्नान पूजा बढ़ई था अंग लगे जो शयन ठाकुर आप देखिए। आज आज ये जय जगन्नाथ टीवी आपड़ देखिए जो कथा आम कहूँ आपण को महाप्रभुकर शयन नीति किभली हुए शयन नीति प्रभु केमिति शोइबे शयन ठाकुर किए बड़ ठाकुर शयन ठाकुर किए देवी सुभद्रा शयन देवी किए एवं जगन्नाथंकर शयन ठाकुर किए ये ठाकुर क्योंठारे रुहंती ना भंडार घरे रुहंती भंडार घर आणिबे किए ना सामंत पूजा पंडा आणिबे क्योंथिरे आणिबे ना रुपय रुपय रूपा थाली रे आणिबे ए सब जिनस आमे जानुचे। तेणु शयन ठाकुर आसीबा परे रथ उपरको आसीबा परे अंग लागी हेबे बलभद्रंकर वासुदेव सुभद्रांकर भुवनेश्वरी जगन्नाथंकर श्री नारायण अंग लगे अंग लगी पर पूजा पंडा तीन रथर महास्नान पूजा बढ़ी था। यापर वर्ष सारा प्रत्यय प्रभुंर रात्र काल रे थरे बड़ सिंगार बेश हुए भोग होता है। मन रखत केवल जय जगन्नाथ टीवी जानूं प्रतिदिन महाप्रभुंर बड़ सिंगार बेश हुए बड़ सिंगार भोग हुए वर्ष सारा। किंतु आजिर दिन रे जो हरिशयन एकादशी तिथि रे प्रथम बड़ सिंगार बेश भोग शेष होगा पर शयन ठाकुर माने विजय होई श्रीअंग लगी हेबा पर पुनः बड़ सिंगार बेश बड़ सिंगार भोग अनुष्ठित होता है। या को बल्लभ बड़ सिंगार कहा जाए। आज किंतु महाप्रभुकर दिथर बड़ सिंगार बेश दिथर बड़ सिंगार भोग आउ केबे हुअंती नाही। तेणु जो अधिक बड़ सिंगार को कौन कह जाए ना बल्लभ बड़ सिंगार कह जाए सबुदिन बड़ सिंगार कह जाए। आज अधिक तु जो बड़ सिंगार हुए बड़ बल्लभ बड़ सिंगार बोली कह जाए। महाप्रभुंर श्रीअंग गोटे पद्म फूल माल सेवकता आणिले भक्त देइचंती से ताहा से उलागी मल्लम माल करिवे केतेबेले आग लागी करदेले श्रीभुजन प्रभुंकर दक्षिण भुजरे पद्ममाल को प्रदान करें तांकर बाम हस्तर पद्मफूल अच्छी दक्षिण हस्तर पद्ममाल अच्छी कारण महाप्रभुंकर दुई हस्तर आज्ञामाल महाप्रभु प्रदान करते जितेबाला आज्ञामाल प्रदान महाप्रभु करती विजय प्रतिमा मानू तांकर यात्रा उत्सव करने कारण महाप्रभु वर्ष को दी थर आज्ञा दिंती ना कारण निजे आसत ये रथ यात्रा निजे आसती स्नान निजे आसती तेणु आज्ञा क्या दिंती ना। आज प्रभु मदन मोहन आसी प्रभु सहित आसी आज्ञा दरकार नहीं प्रभु निजे अच्छा पाखे मदन मोहन बसी तेणु जितेबाला देवी प्रतिमा मानू आज्ञामाल प्रदान कराए बाम हस्तर महाप्रभुंर प्रदान कराए एवं देवता मानू प्रदान कराए मदन मोहन कहतु नारायण कहतु भगवान नृसिंह कहतु जेते रहिले देवता महाप्रभु तांकु दक्षिण हस्तरु प्रदान करिथांत आज्ञामाल। तेणु महाप्रभुंकर जेतेबेला आज्ञामाल उत्सव आदि पर्वपर्वाणी पड़िला आज्ञामाल प्राप्ति हेबार अछंती तेबे किए विजय हेबे आज्ञामाल किए पाइबे प्रथमे देखा जाए से बेश बेले जदि देवी पाइबे बाम हस्तर पड़ी थाए एवं देवता माने जदि पाइबे दक्षिण हस्तर पड़ी थाए आज्ञामाल। तेणु से दी भुजरे महाप्रभु माल रखिंट तुलसी स्कंदर रही नाकचणा नाकुआसी सब लगे महाप्रभु ये तांकर बेश ये सब ये बड़ सिंगार बेश नुहे ये महाप्रभुंर धूप बेश बोली तीन धूप महाप्रभु बेश हुए तीन धूप सकाल धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप बड़ सिंगार होता सी भी धूप भोग तेणु बेश जेते थर महाप्रभु भोजन करती जेते थर से थर प्रभु बेश कर तेज आम कहते महाप्रभुंर आज शयन एकादश प्रभु प्रभु शोबे केमिति शोबे प्रभु रथ उपरू जो आसी समस्त नीति सरीगला रथ उपरे ठाकुर मानकर सर्वांग लगी नुआ पतनी नुआ लुगा लगी मालफुल लगी बेश होता है यापर पानी परी टेड़ा बंधा जावापर घंट छता काहलीस बल्लभ बड़सिंगार भोग अणा जाए आज हम आप देखिए बड़सिंगार सरवापर अधिका भोग लगिले से भोग बल्लभ बड़सिंगार भोग बोली कथित हुए षोडश उपचार विधि अनुष्ठित होता है भोग सरी कर्पूर आरती बढ़िले शयन प्रतिमा माने हस्तर विजे हुई सात पाहच जगमोहन दे भंडार घर द्वार निकट में पहुँची था जो अंग लगी शयन ठाकुर सुवर्ण प्रतिमा चारिमास जो महाप्रभु शोबे शयन ठाकुर अंगरे लगिले महाप्रभु को निद आसीगला अंग लगी अवस्था महाप्रभुंर बल्लभ बड़ सिंगार समस्त नीति सरीबा परे शयन घर को जीवे भंडार घर द्वार निकट में पहुँची था शयन घरे पूर्वर कोठ सुआसिया पेड़ा ताट गोटे क्षुद्र काठ बाक्स पेड़ी सदृश पेड़ा ताट बोली कहा जाए देवे किए कोठा कोठ सुआसिया महाप्रभुंर कोठ सुआसिया सेवक रही था जो महाप्रभुंर सिंदुक ट्रंक सब बुहा बुही करते नवा आने करते महाप्रभुं सांगे जाती कोठ सुआसिया तेणु कोठ सुआसिया सेवक मान पेड़ा ताट बोली कहा जाए क्षुद्र काठ बाक्स पेड़ी सदृश एवं दर्जी सेवक देथिबा सेज मांडी रे महाप्रभुंर दर्जी सेवक जी रथ कना प्रभुंर सेज मांडी तकिया खोल महाप्रभुंर तकिया खोल बेडसीट खोल ये सब महाप्रभुंर अच्छी रत्न पलंक जो पड़े ये पारंपरिक दरजी सेवक अच्छा सी कर महाप्रभु समस्त की रखी चित्रकर को रखी दरजी की रखी कमार को रखी कुम्हार को रखी महारण को रखी कौन तांको पाखे नहांती कई किए ना बोली कहे समस्त की नहीं सी यात्रा करती ये देखुंत देखती ये रामकृष्ण बलभद्र रथर मुरलीधर छंदाचरण बंशीवादन करुँच मुरलीधर बोली कहा जाए बंशीधर बोली कहा जाए छंदाचरण बोली कहा जाए ये बलभद्र रथरे जिते विद्यमान रही जगन्नाथ रथरे मदन मोहन रहती से भली भाव मदन मोहन जिते बड़े आसी जगन्नाथ रथरे जेहेतु बंशीधर किए ना प्रभु निजे जगन्नाथ रामकृष्ण बलभद्र रथर रामकृष्ण ये देखुंत निकटर अच्छा मदन मोहन को कहा जाए सी ही बंशीधर सी ही चक्रधर सी ही सूत्रधर सबु नाटर गोवर्धन महाप्रभु तेणु महाप्रभुंर जितेबाला आम देखुचे आज कहते हरिशयन किभली भाव में प्रभु शोबे रथ उपरे नीति सैला प्रभु शयन कक्ष को जी शयन घर को स्वतंत्र भाव में कोठ सुआसिया ताड़ पेड़ा ताट दे थाए क्षुद्र काठ बाक्स टे दे थाए दरजी सेवक सेज मांडी शयन ठाकुर को शयन करा जाए दरजी सेवक देथिबा सेज मांडी रे शयन ठाकुर को शयन करा जाए तापरे मुदिरस्थ सेवक एकाएक मुदिरस्थ सेवक हाथुआणी नहीं प्रसाद लगी पुष्पांजलि कर्पूर आरती सात काहली संजवती दुर्वाक्षत कहा जाए बंदापना ये सब सरीबा परे पेड़ा बंद करी तई उपरे खोल पका करे किए ना मुदिरस्थ सेवक खोल पकई दिया जो क्षुद्र काठ बाक्स पेड़ी पेड़ा ताट बोली कहा जाए से पेड़ा ताटरे मखमल कना सहित सेज मांडी पड़ी महाप्रभु शोबे ता पूर्व एकाक सेवकों नीति अच्छी देवनीति पुष्पांजलि कर्पूर आरती सातकाली संजवती दुर्वाक्षत बंदापना पुष्पांजलि सब सरवा पर यही नीति समापन पर नीति संपृक्त सेवक ने बाहर को आसवा पर तड़ौकरण सेवक शयन घर द्वार को मदन मोहन को मुदरे मुद दे था स्वतंत्र भाव में मुद पड़ ये मुद केते पड़े ना महाप्रभुकर जिते बड़े प्रत्येक दिन द्वार बंद हुए श्री छामु द्वार बंद हम जय विजय द्वार बंद हम ताला पड़ो कोलप पड़ो से मुद दिहब से मुद हो बनमाटीर मुद दिहब एवं मोहर बाज मदन मोहन मोहर गोटे थाए से मदन मोहन मोहर न बाजिला पर्यंत मुद हम ना से भाव में शयन ठाकुर को समस्त नीति समापन पर नीति संपृक्त सेवक माने बाहर को आसवा पर तड़ौकरण जो आज सुवर्ण वेश बड़ तड़ाऊ वेश यही तड़ौकरण सेवक तांकर ये भी एकाएक सेवक तड़ौकरण देऊलकरण पाटजोशी महापात्र भीतरछ महापात्र पति महापात्र ये समस्त एकाएक सेवक अनेक अच्छा तेणु तड़ौकरण सेवक कौन करेंगे शयन घर को तार द्वार को मदन मोहन को मुदरे मुद देदेवे प्रभु शयन काल नीलाद्रि महोदय ग्रंथरे तीन ठाकुर को प्रार्थना मंत्र स्वतंत्र भाव में रही था नीलाद्रि महोदय वर्णना अच्छे शयन ठाकुर को आपण प्रार्थना करेंगे बलभद्र स्वतंत्र मंत्र अच्छी जगन्नाथ स्वतंत्र मंत्र अच्छी सुभद्रा स्वतंत्र मंत्र अच्छी तेणु से मंत्र उच्चारण करें जितेबले देखिए बलभद्र प्रार्थना मंत्र हो बलभद्र नमस्तेस्तु रोहिणी नंदन प्रभु रेवती बल्लभ श्रीमान सुखेन शयन कुरु ये बलभद्र को प्रार्थना कर प्रभु सोई जाओ जगन्नाथ सेमती मंत्र रही था जगन्नाथ जगदीश जगन्नाथ जगता जगदानंद कारक जगद्धाम जगद्रूप नमस्ते जगतांगपते दुष्टानां नाशनार्थाय शिष्टानां प्राणहेतवे लक्ष्मी कलत्र के कस्मिन् सुखेन शयन कुरु सुभद्रांकर भद्रदेवी नमस्तेभ्यं सर्वभद्र प्रदायिनी भद्राय जगतमात्र नमस्ते शयन कुरु मदन मोहन को आप देखुं ये जगन्नाथ रथरे शुक्ल वस्त्र परिधान करी लाली धड़ी केते आकर्षण केते सुंदर मदन मोहन कर मुखार बिंदु को आपण देखुं शुक्ल वस्त्र परिधान कर धड़ा रंगर ये वस्त्र परिधान करी मदन मोहन तांकर प्रभु को पाखे अच्छा प्रभु को रथरे अच्छा प्रभु को सांगे अच्छा कारण प्रभु से प्रतिनिधि प्रभु जेउटी की जाती ना मदन मोहन को आदेश देवे मदन मोहन तुम्हें जाओ मदन मोहन जा दोल गोविंद जा नारायण जाकर विजय प्रतिमा प्रतिनिधि माने अच्छा सब दक्षिण घरे विराजमान करा जार जितेबले काम यात्रा भाग ना महाप्रभु आज्ञा प्रदान करती तुम्हें जाओ समस्ते आगमन करा तेणु आम जितेबले शयन ठाकुर संपर्क में जाणुचे प्रार्थना जाणुचे देव प्रतिमा मानू आज्ञामाल त्रय द्वारा भूषित पूर्वक शयन गुरु को विजय करा जाए हरिशयन उत्सव श्री विग्रह मान द्वादश यात्रा अंतर्भुक्त होइतिबारु अन्यान्य यात्रा दर्शन भक्त माने असीम पुण्य लाभ कला भली एथिरु मध्य ऐक पाप तापर विनाश संगे संगे अनायसरे मुक्ति मार्ग पथिक हेबार सौभाग्य लाभ करते इपरिकी स्वयं विष्णुंकर यह शयन काल अर्थात आषाढ़ आजिर तिथि आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत दीर्घ 4 मास यही समय मध्य श्रीक्षेत्र में अवस्थान करी तीर्थ स्नान व्रत पालन एवं भगवत पदारविंद दर्शन अतीव पुण्यपद जो चतुर्मासिया व्रत बोली कहूँ चतुर्मासिया व्रत ये हूँ आज ठारू आरंभ चतुर्मासिया व्रत संपर्क में जानिले हरिशयन एकादशी संपर्क में जानिले कारण आज एकादशी ये बड़ एकादशी आज एकादशी गोटे स्वतंत्रता रही था कारण आज हरिशयन एकादशी स्वतंत्रता एथपाई जी एकादशी करी थाए एकादशी पुण्यफल सहित चतुर्मास्या व्रतर पुण्यफल प्राप्ति होता है जहाँकि वर्षर 8 मास 12 मास 8 मास पुण्यफल जहाँ करता 4 मास भितर 12 मास पुण्यफल आप गोटे दिन जेमती संध्या दर्शन प्रभुंर आड़प मंडप दर्शन नवदिन नवदिनात्मक जात्रारे गोटे दिन आड़प मंडप दर्शन कले 10 वर्षर पुण्यफल आप प्राप्ति होता से वर्षकर पुण्यफल गोटे दिन महाप्रभु दियंती चतुर्मास्या व्रत आरंभ आज ठारू कार्तिक बड़ एकादशी पर्यंत 4 मास भितर गोटे दिन ये तीर्थराज महोदय स्नान करी महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करें से चतुर्मास्या व्रत पुण्यफल प्राप्ति पाई था चतुर्वर्ग पुण्यफल प्राप्ति पाई था चतुर्मास्या व्रत जे पालन करती चतुर्वर्ग पुण्यफल पाती श्रीभुज को प्रणाम करीभुज को मथ मथ कर प्रणाम करुँच से सेवकता महाप्रभु सेवक प्रिय महाप्रभु भक्त प्रिय महाप्रभु श्रृंगार प्रिय महाप्रभु चंदन प्रिय महाप्रभु पुष्प प्रिय महाप्रभु तुलसी प्रिय महाप्रभु यात्रा प्रिय ये सब रही प्रमाणित महाप्रभु करुणा महाप्रभु यात्रा प्रिय बोली प्रमाण करिसंति कि नाही महाप्रभु सेवक प्रिय बोली प्रमाण करिसंति कि नाही महाप्रभु बेश प्रिय पुष्प प्रिय ता प्रमाण करिसंति कि नाही महाप्रभु जहा कहंती ता प्रमाण करी देखा ये मो जगन्नाथ तेणु जगन्नाथों सहित निबिड़ संपर्क आपणकर रहू आज प्रभुंर सुवर्ण बेश दर्शन करंतु हरिशयन नीति दर्शन करंतु दीथर बड़सिंगार बेश दर्शन करंतु जहाँकि केवे दर्शन करिवार सौभाग्य पाइबे ना हुए तो ना पाइबे कौन बड़सिंगार बेश 2 थर हुए ना केवल रथरे शयन एकादशी दिन हुए शयन ठाकुर तेणु ए सब नीति जो माने देखा वंचित होती सूचना देवु जदि जय जगन्नाथ टीवी एवं सिद्धार्थर 4टी चैनल आसुना तेबे निज पसंदर चैनल बाछिकी मासिक पैक रे नहीं पारिबे जय जगन्नाथ टीवी 5 टंका सिद्धार्थ टीवी 14 टंका सिद्धार्थ गोल्ड 3 ଟଙ୍କା 46 ପଇସା सिद्धार्थ भक्ति 3 ଟଙ୍କା 46 ପଇସା ए समस्त मूल्य को मिसई देले मासिक आपण 20 ଟଙ୍କା 99 ପଇସା तेणु आज ही निज ऑपरेटर को कॉल करंतु एवं पसंदर चैनल मागंतु तेबे सिद्धार्थ ओडिया पैक रे नेले समस्त 4टी चैनल देखि पारिबे तेणु आपणक पई सूचना देवाकू बाध्य होचु काहींकी ना केतक भक्त कहते देखिबारु वंचित होइचंती मिथ्या अपप्रचार चलती जय जगन्नाथ टीवी दर वृद्धि करिचंती ना आमे जय जगन्नाथ टीवी पक्षरु सूचना दिया जाउची टेलीफोन नंबर मध्य दिया जाउची मेसेज करिबाकू व्हाट्सएप करिबाकू मध्य दिया जाउची तेणु आपण जेतेबेला चिंता करुचंती जदि केही कहउची जे अधिक वृद्धि हेची आपण 20 ଟଙ୍କା 99 ପଇସା अधिक नहीं कारण जय जगन्नाथ टीवीर घोषणा सूचना दि जाऊँ अधिक किए नौ तेणु आपण चिंता करी मन को स्थिर करी जदि आपण वंचित होती सिद्धार्थर 4टी चैनल देखा सहित जय जगन्नाथ टीवी देखिपारना प्रभु को देखिपारना तेबे आपण कौन करेंगे चैनल बदल देवे निजर पसंद चैनल कम दर रही अन्य अनेक चैनल अच्छी ताकू नहीं पारिबे केबल जो अच्छी आपड़ नहीं पारिबे तेणु जदि इच्छा करुचंती 20 ଟଙ୍କା 99 ପଇସା देई आपण ऑपरेटर को कॉल करंतु निज पसंदर 4टी सिद्धार्थर 4टी चैनल नहीं प्रभुंर दर्शन करंतु प्रभु को दर्शन करंतु प्रभुंर सौभाग्य कृपा लाभ करंतु आपणकर कृपा पाइबार अधिकार अछि प्रभु कृपा वृष्टि करुचंती तेणु आम महाप्रभु पाखे जितेबले शरणापन्न जाऊे शरणागत होचे आज पुणी पवित्र दिवस टी कहते हरिशयन एकादशी संपर्क शयन प्रतिमा किभली भाव में भंडार घर आसवे शयन प्रतिमा किभली भाव में स्वर्ण सुवर्ण प्रतिमा रूपा थाली आसवे ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଣିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେବେ ରଥ ଉପରେ। ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମହାସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ। ତତ୍ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ। ଉଠୋସିଆସିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଦେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଦରଜୀ ସେବକ ସେଜମାଣ୍ଡି ଦେଇଥିବେ। ଶୟନ ଠାକୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ସେଥିରେ ଶୋଇବେ। ଶୟନ ପରେ ପୁଣି ଏକାଏକ ସେବକ ମୁଦିରସ୍ତ ବନ୍ଦାପନା ଦେବନୀତି କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯାଏ। ଆଜି କେବଳ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତ, ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ, ୟାଠୁ ଭଳି ଦିବସ ଆଉ ରହିବ? ରଥ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ, ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅଙ୍ଗରେ। ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକମାନେ, ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋର ସିଙ୍ଗାରୀ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ମୋର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ଧନ୍ୟ ମଣିଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁରେ ବାଘ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ଆସିଥାଏ। ଦର୍ପଣ ଥୁଆଇଛି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ, ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ମାଣ୍ଡିଆ। ପିତ୍ତଳ ମାଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ, ପିତ୍ତଳ ଗରା କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁସନ ଏବଂ ମାଟି ପାତ୍ର। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କାଠ ଚୁଲି ରଖିଛନ୍ତି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରି କାଠ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁସନ ଅଛି। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ, ଆଗକାଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ଗଡ଼ରେ ଯେ ନଥିଲା, ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ କିଛି ନଥିଲା, ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା। ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ପେଡ଼ି, ବାଉଁଶ ବେତରେ, ବାଉଁଶ ଗଛ, ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେ ପେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ସଂଗୃହୀତ କରୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲେ। ସେମିତି ରହିଥାଏ ସିନ୍ଦୁକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆବରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବରି ନେଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ତ ଅନେକ ଯାତ୍ରା, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହାଗଲା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ ସବୁର ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ ସବୁର ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା, ଉପଯାତ୍ରା, ଉତ୍ସବ, ମହୋତ୍ସବ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ। କହ୍ନେଇ ନଥିଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର? ସେମିତି ଏ କହ୍ନେଇ ଭଗବାନ ନଟବର ନଟ ନାଗର ରସିକ ଶେଖର। ରସାନନ୍ଦ, ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ରସାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରସିକ ଶେଖର ରାସ ରାସେଶ୍ୱର। ଇଏ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ରସାନନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅଶରଣ ଶରଣ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରଣାଗତି ହେବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶରଣାପନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି, ଶରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରିତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ କହିଛେ ନିରାଶୟ ମାମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣମ। ଆମେ ସବୁ କଥା କହୁଛେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ 2 ହାତ ଉଠିଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରି ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଶରଣମ। ସେ ହିଁ ଶରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା, ଆଶ୍ରିତ ମନୋଭାବ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ। प्रभु प्रति भक्ति आसू विश्वास आसू। आज से रथ उपर महाप्रभुकर आम नीति दर्शन करूँ ये सौभाग्य महाप्रभु देते कृपा कर बड़ ठाकुर रथरे आम टेरा पड़ी तीन रथरे टेरा पड़े जितेबाला देवनीति अनुष्ठित होता है घंटी बजेले सामंत पूजा पंडा कारण जितेबाला नैवेद्य किसी प्रदान करते महाप्रभु को से कौन दे था नैवेद्य भितर आम घंटी बजे था सामंत पूजा पंडा पूजा पंडा सेवकंर जितेबाला बेश संपूर्ण होता है कारण महाप्रभु बेश संपूर्ण पर नीति चलो रथ उपर सबु नीति चलो बल्लभ बल्लभ पर सकाल धूप पर मध्याह्न धूप पर संध्या आलती ये सब नानादी प्रकार नीति सब रथ उपर सब ये नीति आप देखुं नीति धूप अनुष्ठित हो महाप्रभुकर धूप मुद्रा प्रदर्शित करुँच सामंत पूजा पंडा माँ रथरे पूजा पंडा सामंत अच्छा बड़ ठाकुर रथरे पूजा पंडा सामंत अच्छा एवं जगन्नाथ रथरे पूजा पंडा सामंत अच्छा स्वतंत्र पारंपरिक वस्त्र तांकर देखो सामंत पूजा पंडा तांकर सेवा कर वस्त्र परिधान पिंधार कौशल किभली भाव में समस्त द्रव्य देवा पूर्व महाप्रभु दारू विग्रह उद्देश्य में जहाँ अर्पण करने पूर्व से संस्कार कर संस्कार करने से प्रभु उद्देश्य अर्पण कर तेणु आज महाप्रभु तांकर जगन्नाथ को देखो मस्तक गोटे विराट फूल गभा जो गभा तांकर लगी नाकरे नाकुआस झुंपा नाकचणा ये सब महाप्रभुंकर देखुच मस्तक जेते पुष्प अलंकार थे तुलसीर पत्र देखुच प्रत्येक पुष्प अलंकार महाप्रभुंकर तुलसी पत्र मिश्रित पुष्प अलंकार ही रही है तेणु महाप्रभु तुलसी रसिक बोली कहा जाए तुलसी रसिक तुलसी बिना तुलसी रे महाप्रभु हलिबे किंतु 15 दिन महाप्रभु तुलसी ग्रहण करती ना महाप्रभु को श्रीअंगे 15 दिन पर्यंत तुलसी लग न थाए अनवसर समय स्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु तुलसी पिंधि जमीती अणसर घर को जीवे स्नान मंडपुर अणसर घरे रे से दिन ठू महाप्रभुंकर एकादशी पर्यंत खलिला कि एकादशी पर्यंत पिंधि न था नाना प्रकार ये जो रंग रंगिणी फूल ग्रहण करी न था तुलसी पत्र ग्रहण तुलसी माला ग्रहण करी न था केवल शुक्ल धला रंगर पुष्प से ग्रहण करता जितेबाला खली लगी एकादशी दिन तुलसी मिश्रित माल चूल सबकि लगी थाए महाप्रभु अर्थात महाप्रभु सुस्थ ही जाते तेणु ये सब नाना प्रकार नीति महाप्रभुंकर नाना नीति दर्शन करने को आम रही था सुजोग दियंते महाप्रभु तेणु महाप्रभुंकर आज चतुर्मासिया व्रत हरिशयन एकादशी हरि किभली भाव में शुवंती क्यों स्थान शुवंती किभली भाव में रथ पर नीति हुए कहीं बड़ श्रृंगार 2 थर हुए ये समस्त तथ्य आज जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम मध्यम आपण पाखे पहुँची परवर्ती आउ किसी तथ्य नहीं पंडित राजेश महापात्र उपस्थित अच्छा सी तर व्याख्या करेंगे किसी जेते व्यक्त करेंगे सब अव्यक्त सी अव्यक्त अच्छा सी व्यक्त अच्छा सी रूपरे अच्छा सी अरूपरे अच्छा सी आकार अच्छा सी निराकार अच्छा सी अनंत असीम निराकार पूर्ण ब्रह्म पूर्णात पूर्ण ब्रह्म सी तेणु आसतु से तत्व को धारा बरणी मध्यम प्रदान करेंगे पंडित राजेश महापात्र। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अतसी कुसुम सुंदर जे श्याम।